क्या है तो पैंट भीग गया है? हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज धनतेरस है तो आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की शुभकामनाएं। और मैं नहा करके आई हूँ अभी, और ये बेडशीट वगैरह मैंने सही नहीं की थी तो मैं अपनी ये चारपाई की बेडशीट सही कर रही हूँ। पहले पलंग बिछा रखा था लेकिन पलंग की निवार टूट गई, तो फिर उसके बाद ये चारपाई बिछा रखी है मैंने, क्योंकि मैं इस चारपाई पे लेटती हूँ। चारपाई के जहाँ जिस तरफ पैर होते हैं ना, उस तरफ ईंटें लगी हुई हैं, थोड़ा सा ऊँचा रखना पड़ता है पैर वाला एरिया, तो इसलिए इसमें चारपाई पर लेटती हूँ। और फिर ये बेड की भी बेडशीट जो है, मैं इसको भी सही से बिछा दे रही हूँ झाड़ करके। और अभी ना मुझे तांशु को लेकर के बहुत बुरा लगता है। एक तो उसकी पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है मेरी वजह से। अभी मैं क्या करूँ, डॉक्टर ने मुझे आने जाने के लिए मना किया है, तो इसलिए मैं अभी कहीं भी आ जा नहीं सकती हूँ। और दूसरा इसलिए भी बुरा लगता है उसको ना, मेरे साथ जो है चिपक के सोने की आदत है, लेकिन अभी मैं उसको अपने साथ नहीं सुला सकती हूँ, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा सोता है हाथ पैर ऊपर रख करके। मतलब थोड़ा उस तरीके, मतलब जब उसको बेड पर सोता है पूरे बेड पर घूमता रहता है वो। मतलब जब रात में मैं उसे सुलाती हूँ तो बड़े अच्छे से सुलाती हूँ, और सुबह उठ करके देखती हूँ तो अलग ही डायरेक्शन में मिलता है। और तांशु अकेला सोता भी नहीं है वैसे भी, तो अभी जो है मम्मी जी उसके साथ सोती हैं यहीं बेड पे, मैं चारपाई पे अपना सोती हूँ। और ये वाली बेडशीट मैंने अभी नई बिछाई है, और जब मैं इसका एक पिलो कवर चढ़ा रही थी तो वो उसकी सिलाई थोड़ी सी उधड़ गई थी, क्योंकि मार्केट से जो रेडीमेड आते हैं उनकी सिलाई कच्ची सिलाई होती है तो वो हाल उधड़ जाती है। सो वही मैं पिलो कवर अभी सिलने में लगी हुई हूँ। और तांशु की ये नई शर्ट भी है जो मैंने की अभी 8वें कोरी पहनाई थी, लेकिन उसने जब ये पहनी तो इसकी बाजू का जो बटन है वो निकल गया, तो मैंने कहा वो भी लगा दे रही हूँ साथ के साथ में। और जब कुछ सिलने बैठो ना तो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है भाई सुई में धागा डालने में। सुई में धागा डालने में बड़ा टाइम लगता है। जो बड़ी सुई होती है उसमें तो धागा आसानी से चला जाता है, लेकिन जब छोटी सुई होती है ना तो उसमें ना धागा बड़े ध्यान से डालना पड़ता है। और मैंने 3-4 बार कोशिश की तब जा कर के सुई में धागा डल पाया है। जब पिलो कवर सिला तब भी ऐसे ही हुआ, फिर उसके लिए शर्ट के लिए क्योंकि अलग धागा चाहिए था, शर्ट का जो रंग ग्रीन कलर है, पिलो कवर रेड कलर का था, तो दोनों की सिलाई अलग अलग धागे से हुई है, तो अलग अलग सुई में जो है धागा डाला था, तो बड़ी दिक्कत आई थी सुई में धागा डालने में। और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम ज़्यादा सभी को ही फेस करनी पड़ती होगी जब वो कुछ सिलने बैठते होंगे। और फ्रेंड्स, अभी दीपावली सीजन चल रहा है तो सभी जो है शॉपिंग में लगे हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं, और मैं तो कहीं आ जा नहीं सकती। डॉक्टर ने मुझे कहीं भी आने जाने से अभी इस वक्त मना कर रखा है, सो मैं तो कोई शॉपिंग नहीं कर पा रही, ना ही कोई तैयारी कर पा रही हूँ। लेकिन मैंने ऑनलाइन अपने लिए कुछ शॉपिंग की है, कुछ जरूरी चीज़ें मंगवाई हैं अपने लिए, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास जो है फ्लैट में फुटवियर नहीं थी, और मतलब फुटवियर तो है मेरे पास लेकिन फ्लैट में नहीं है। मेरे पास हील में, मैं ज़्यादा हील वाली फुटवियर पहनती हूँ। यहाँ पर भी मैं हील वाली फुटवियर पहन करके आई थी, लेकिन अभी जो मेरी कंडीशन है, मैं प्रेगनेंट हूँ तो प्रेगनेंसी में मैं हील वाली चप्पल पहन करके कहीं भी आ जा नहीं सकती हूँ, मुझे डॉक्टर के आना जाना पड़ता है, तो हील वाली चप्पल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे तो। और सभी ने मना भी किया है घर में सभी ने कि हील वाली चप्पल अब मैं ना पहनूँ, तो मेरे पास अब फ्लैट वाली तो थी नहीं, सो मैंने जो है जॉब से अपने लिए ये फ्लैट में कोल्हापुरी चप्पल मंगवाई है। ये देखिए कैसी लग रही हैं, और बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही सुंदर हैं ये। और इसमें ये जो ब्लैक स्टेप है, इसमें जो है गोल्डन पाइप का वर्क हो रहा है, और ब्लैक लग के छोटे छोटे मोती भी लगे हुए हैं, सीक्वेंस वर्क भी हो रहा है इसमें, और गोल्डन प्रिंट भी हो रहा है इसमें। इसमें ना गोल्डन प्रिंट भी हो रहा है, उस प्रिंट के ऊपर से इसमें गोल्डन पाइपिंग की, और ये ब्लैक कलर की छोटी छोटी मोती लगे, सीक्वेंस वर्क हो रहा है। बहुत ही प्यारी है चप्पल ये, तो बहुत ही सुंदर चप्पल है ये, बहुत इनका लुक डिजाइन बहुत प्यारा, काफी काफी कंफर्टेबल भी है। मैं इनको पहनकर काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी, तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये चप्पल। और इसके अलावा, चप्पल के अलावा, मैंने अपने लिए एक स्लिंग बैग भी मंगवाया है।
हाँ मेरे पास स्लिंग बैग नहीं रहा था, मैं बहुत टाइम से एक स्लिंग बैग यूज कर रही हूँ, ग्रे कलर का, जो काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, बहुत पुराना हो गया है। और उस बैग को मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ ना, मैं जहाँ भी जाती हूँ, कहीं भी आना जाना होता है, यहाँ आती जाती हूँ या कहीं मार्केट जाती हूँ, मायके जाती हूँ, मैं उसी स्लिंग बैग को लेके जाती हूँ। तो उसमें जगह जगह से हल्के हल्के से स्क्रैच पड़ गए हैं, थोड़ा सा फट भी गया है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी अपने लिए स्लिंग बैग मंगवाने के लिए, तो जब मैंने जॉक से अपने लिए ये चप्पल ऑनलाइन मंगवाई, तो मैंने जॉक से ही अपने लिए स्लिंग बैग भी मंगवाया है। तो ये देखिए ब्राउन कलर का स्लिंग बैग है, काफी प्यारा, काफी सुंदर है, ये देखिए इस तरीके से। और इसमें ये देखिए मल्टी कलर में प्रिंट हो रहा है, बहुत ही सुंदर है, ऑरेंज, रेड, ब्राउन, ग्रीन कलर में ये प्रिंट हो रहा है। सेम ऐसे ये प्रिंट पीछे की साइड हो रहा है, और ऐसे पीछे की साइड भी एक ये पॉकेट है इसमें, और काफी स्पेसियस है डेली में आने जाने के लिए, आप मार्केट जा रहे हो, शॉपिंग जा रहे हो, तो बहुत ही अच्छा है। आप इसमें एक चेन ये है इसमें, तो ये इसमें एक ये चेन है इसमें, ये काफी स्पेशियस है, और इसमें अंदर भी एक ये चेन दी हुई है जिसमें आप अपने पैसे वगैरह रख सकते हो आराम से। तो काफी स्पेशियस है ये, ना ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है, तो आप इसमें ना आराम से अपना मोबाइल, अपने पैसे और मेकअप का छोटा मोटा सामान इसमें रख करके आराम से लेकर के जा सकते हो। और ऐसे टांग, आप इसे ऐसे टांग लीजिए या ऐसे टांग लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें जो बेल्ट दी हुई है इसको आप छोटी भी कर सकते हो, उससे बड़ी भी कर सकते हो, तो काफी अच्छा है ये बैग भी, बहुत प्यारा लगा मुझे। मैंने अपने लिए स्लिंग बैग और ये चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, दोनों ही जॉक से ऑनलाइन मंगवाई है, और जॉक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, पीटा अप्रूव ब्रांड है, और जॉक के सारे प्रोडक्ट्स 100% वेगन होते हैं फ्रेंड्स। सो आप भी मेरी तरह जॉक से ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, आपको यहाँ पे ना हर तरीके के फुटवेयर मिल जाएंगे, आपको जूती, बेली और कोल्हापुरी चप्पल, शूज और सैंडल, आप जिस तरीके के फुटवेयर खरीदना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और हर तरीके के बैग भी मिल जाएंगे, चाहे वो स्लिंग बैग हो, क्लच हो, हैंड बैग हो, ऑफिस बैग हो, लैपटॉप बैग हो। सो आपको हर तरीके के बैग, हर तरीके के फुटवेयर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे कूपन को POJAAA10 को यूज करते हैं, जो कि स्क्रीन में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, तो अगर आप मेरे इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी कीजिए और अपने लिए जॉब से बहुत ही प्यारे प्यारे फुटवियर, बहुत ही प्यारे प्यारे बैग्स ऑर्डर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मैं बिस्तर वगैरह सेट करके थोड़ी देर लेटी थी कि इतने में हमारे देवर जी आ गए हैं गुड न्यूज़ लेकर के। तो हमारे देवर जी ने नई बाइक खरीदी है, विजय भैया ने नई बाइक खरीदी है, तो वो पूजन के लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। और हमारे घर में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो सबसे पहले पूजन जो है घर की बेटी से कराया जाता है। तो ज्योति दीदी इस वक्त घर आई हुई हैं, जो कि मेरी सबसे छोटी चाची सास की बेटी है, तो वो इस वक्त घर आई हुई हैं, चाचा जी के चोट लग गई थी तो उनको देखने आई हुई हैं। तो फिर सबसे पहले उन्होंने जो है गाड़ी को पूजा है, उसके बाद जो है सबको बुलावा दिया जाता है, मतलब सब जो है गाड़ी पूजते हैं, मतलब घर में जितनी भी बहुएँ हैं सब पूजेंगी। तो पहले मम्मी जी पापा जी ने भी पूजा है, तो और जितनी भी मेरी देवरानियाँ जेठानियाँ थीं और चाची सास मौसी सास सब ने जो गाड़ी को पूजा, फिर मैं भी जो है आ गई गाड़ी पूजने। और गाड़ी जब पूजती है ना तो गाड़ी के ऊपर किसी ना किसी को बैठाया जाता है, तो तांशुआ पूर्वी को बैठा दिया गया है, और तांशुआ अभी नहाई नहीं है, थोड़ा देर से नहाते हैं, अभी ठंड का मौसम है ना तो देर से नहाते हैं, अभी नहाई नहीं है, ये ऐसे ही घूम रहे हैं। और गाड़ी पूज गई है, उसके बाद कपड़े में गोला लपेट के पापा जी ने गाड़ी के पहिए के नीचे रखा है, और फिर ये इस जो है गाड़ी स्टार्ट करके इस गोले को जो है तोड़ा जाएगा, मतलब फोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से अब ये जो गोला है ये मतलब प्रसाद के रूप में सब में बांट दिया जाएगा। तो मम्मी जी जो है लाई और बतासे वगैरह लेके आई थी, तो उसी में नारियल का जो पीसीस, छोटे छोटे पीसीस करके मिक्स करके सबको बांट रही है मौसी। हाँ आ गए, देखो क्या है, तो पैंट भीग गया है, सूख गया दोबारा से। तो आप तो बारिश रुक गई थी तब चले थे ना दोबारा, फिर हाँ तब भी तो चलो टाइम से पहुंच तो गए।
देखो देखो कैसे कलर करती है। मैं क्यों परेशान करती हूँ फोन में, कह रही थी टाइम से निकलो टाइम से निकलो, इसलिए कह रही थी कितने बजे, 7:15 बजे। हम तो सर्दियाँ आए, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तुम बच्चों क्या कर रहे हो? बच्चा मिलने आई है। मिलने आए हो? है ऊपर कुछ नहीं है? ऊपर कुछ नहीं है? ये भी मिलने आई है। हाँ वो तो मिलने आती है, वो तो हमेशा यहीं रहती है। देखो लो आपका छोटा दोनों। और अभी ये घर आ गए हैं और भीगते हुए आए। रास्ते में हल्की सी बारिश होने लगी थी और मैंने पता है इनसे, मतलब कल रात से ही बोल रही थी, मैंने कहा बैग वैग पैक कर लो और स्कूल से सीधे निकल आना, मतलब स्कूल से फिर आप रूम पे जाओगे बैग पैक करोगे तो आपको लेट हो जाएगा और इस वक्त सर्दियाँ हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, बैग पैक किया ही नहीं, फिर स्कूल गए हैं, आज स्कूल से फिर रूम पे पहुँचे हैं, फिर वहाँ बैग वगैरह पैक किया है, फिर निकले वहाँ से 5:15 बजे के करीब निकले होंगे। और जैसे ही खंदौली पहुँचे वैसी बारिश होने लगी तो वहीं एक जगह खड़े हो गए। फिर भी ये बता रहे थे कि थोड़े बहुत भीग गए थे, पैंट जो नीचे से गीला हो गया था लेकिन फिर रास्ते में सूख गया है। और तांशु अभी खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते उनको अचानक से याद आ गया कि पापा के पैर नहीं छुए, तो खाना खाते में ही उठे हैं पापा के पैर छूने के लिए अपने। और फ्रेंड्स अभी ये कपड़े वगैरह चेंज करेंगे फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। और अभी आप लोगों से ले लेते हैं विदा, तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।